तो अविश्वास पर चर्चा का फाइनल चैप्टर है आज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार है और इस बीच बड़ी खबर अविश्वास प्रस्ताव पर तीसरे और आखिरी दिन की चर्चा से जुड़ी हुई इस वक्त जो आ रही है, आपको बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से आज बंदी संजय चर्चा में हिस्सा लेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एसटी हसन बोलेंगे। प्रधानमंत्री से ठीक पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी बोल सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बीजेपी से बंदी संजय चर्चा में हिस्सा लेंगे, समाजवादी पार्टी से एसटी हसन, कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी आज बोल सकते हैं। और आज चर्चा का तीसरा अंतिम दिन जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने से पहले आखिर में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोल सकते हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते हैं कल किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को लेकर सदन में यहां तक कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि आपको तो आपकी पार्टी ने बोलने के लिए चुना ही नहीं है। तो इस तरीके के तंज जो है, कटाक्ष जो है, वो अधीर रंजन चौधरी पर किए जा रहे थे। और अब आज बड़ी खबर यह कि अधीर रंजन चौधरी बोल सकते हैं ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस बीजेपी से कुछ सवाल कर रही है और ये सवाल क्या है आपके सामने है। बीजेपी सांसद राजकुमार रंजन को लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि वो क्यों नहीं बोले। राजकुमार रंजन मणिपुर से सांसद हैं बीजेपी के, राजकुमार रंजन को मौका क्यों नहीं दिया गया, जबकि राजकुमार रंजन केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, मणिपुर से आते हैं, मणिपुर के सांसद हैं और मणिपुर में हिंसा के दौरान विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन का घर जला दिया गया था। तो वही राजकुमार रंजन बीजेपी ने मणिपुर से अपने सांसद और मंत्री को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया, ये वो सवाल है जो कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। और इस सबके बीच ये छह तस्वीरें आपके सामने, आज चर्चा का तीसरा अंतिम दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है उसका यह टेस्ट माना जा रहा है 24 से पहले शक्ति परीक्षण, विपक्ष और पक्ष दोनों का आर पार की यह रणनीति है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।